मजबूत हो जाओ, जो आपके पीछे लगे वो भी मजबूत हो जाए। वजह का दीन हनीफा, अपने चेहरे को, अपने जिस्म को, अपने तवज्जोहात को मजबूत करके उस दीन की तरफ राग़िब कर दो, मुतवज्जह कर दो, रुख फेर दो, कि जिसमें दो सिफतें पाई जाती हैं, एक का नाम है हनीफ और एक का नाम है फितरत अल्लाह। इन दोनों की तरफ, यानी दीन हनीफ। इंशाअल्लाह एक दो मजलिसें जो बाकी हैं उसमें मुझे इस बात की तरफ रोशनी डालनी है कि आया दीन हनीफ किसे कहा जाता है, दीन हनीफ का क्या मतलब है। इंशाअल्लाह मैं उस बात की तरफ भी लाऊंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अगर मैं उसको हर जगह पे बयान करता जाऊं तो हकीकत यही है कि वो बात असली जो है वो वाजे नहीं होती है। फ़ाक़िर वजह का दीन हनीफा, दीन हनीफ की तरफ, लेकिन दीन हनीफ ये वो नहीं है तो जो नया हो, अजनबी हो, किस्सा कहानी हो, दास्तान हो, अजूबा हो, नहीं। फितरत अल्लाह अल्लती फतर الناس عليها, ये वो दीन है कि जिसको अल्लाह ने अपनी फितरत के मुताबिक पैदा किया है। फितरत अल्लाह अल्लती फतर الناس عليها। अजीब बात यह है कि फतर الناس عليها, मैं तवज्जो चाहता हूं, अगर तर्जुमा आप इस मकाम के ऊपर सही करें तो एक जगह ऐसी है कि अल्लाह